हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल नंबर 12.4। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड घूमता है तो उससे एमिट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी निकाल कर दीजिए। ठीक है, निकाल कर दिखानी है हमें क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन, कब, जब वो प्रोटॉन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर रेडियस जो हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का रेडियस है अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, एन इज इक्वल टू वन, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा और ये जो रेडियस होगा ये आर वन होगा और आर वन बोर रेडियस कहलाता है। इसको इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 5.3 × 10⁻¹⁻ मीटर होता है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम इज इक्वल टू 2.18 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 2.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये चीज थ्योरी से पता है, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से। और इसका फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हैं कि रेडियस का कैसे रिलेशन है एन के साथ में और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है एन के साथ में, तो 12.3 में मैंने ये डिस्कस किया है, तो आपने वो वीडियो या तो देख ली होगी या नहीं देखी तो एक बार आप उसको जरूर देख लें ताकि ये फॉर्मूला हमें कैसे याद रखना है एज पर एन वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है वी कितना है, इतना वी का रिलेशन होता है ओमेगा से विच इज एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा का रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा निकाल सकते हैं हम। ओमेगा हम जानते हैं वी अपॉन आर होता है। ठीक है, ओमेगा का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से होता है 2πν, ओमेगा इज इक्वल टू 2πν, 2πν इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन 2πr हो जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू, आर मीन्स ए नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, ये बेसिकली क्या है ए नॉट। तो न्यू होगा 2.2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14 × ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू कितनी है 5.3 × 10⁻¹⁰। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.6 × 10⁻¹⁵ हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 6.6 × 10⁻¹⁵ हर्ट्ज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड ईएम वेव बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो एमिटेड लाइट की होगी, या ये कह सकते हैं लाइट एमिट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की जो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी रेवोल्यूशन की। तो रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6.6 × 10⁻¹⁵। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड क्या होगा 6.6 × 10⁻¹⁵ हर्ट्ज। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, बोर रेडियस और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।